गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का चतुर्थ अध्याय कैदी और कोकिला, जो कि हमारे यहाँ एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से कोयल उस जेल के ऊपर मंडराने लगती है और कोयल बोलने लगती है, जिसको देखकर क्रांतिकारी कवि जेल में बंद होने के बाद भी कोयल को संबोधित करके उससे पूछना चाहता है कि आखिर वो प्रेरणा संदेश किसका लेकर के आई है, क्योंकि कोयल के बारे में ऐसी मान्यता है कि वो तो बसंत की रखवाली है, मधुर वैभव की रखवाली है। फिर उसके अर्धरात्रि को चीखने का कारण क्या है, यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे देखिए, क्या हुई बावली जो अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, यहाँ पर दावानल किसको कहा है, अंग्रेजी शासन तंत्र को। वैसे दावानल का जो शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की आग, उसे कहा जाता है दावानल, क्योंकि संसार में तीन प्रकार की आग बहुत प्रसिद्ध है, बड़वानल, जठरानल और दावानल। बड़वानल कहलाती है समुद्र में लगने वाली आग, जठरानल कहलाती है पेट की आग और दावानल कहलाती है जंगल की आग। बावली अर्थात पागल, अर्धरात्रि यानि आधी रात और ज्वाला यानि आग की लपटें। तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, कोयल से पूछता है कि वो आखिर क्या पागल हो गई है जो इस तरह से अर्धरात्रि को चीख रही है, आखिर वो अर्धरात्रि को क्यों चीख रही है, क्या वो पागल हो गई है, क्या उसने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है। अगर प्राकृतिक तौर पर इसका अर्थ देखें तो हो सकता है जिस जंगल में वो रहती हो वहाँ आग लग गई हो, उसको देख करके वो चीखने लगी हो, लेकिन यहाँ पर हम क्रांतिकारियों के संदर्भ में लेते हैं अगर, तो भारतीय जो जीवन है उस जीवन में जो अंग्रेजों के अत्याचारों की आग लगी हुई थी उस आग को देख करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कोयल पागल हो गई है और कोयल अर्धरात्रि को चीखना प्रारंभ कर चुकी है, जिसकी तपन से भयभीत होकर के वो अचानक चीख पड़ी है। इसलिए कवि कह रहा है, क्या हुई बाहुली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएँ हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, कवि कोयल से पूछता है कि वह इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही है, क्या वह पागल हो गई है, क्या उसने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है, या भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की आग को देख करके वो भयभीत हो गई है और उसकी तपन से भयभीत होकर वो अचानक से चीखने लगी है। कोयल का आधी रात को जेल के आसपास बोलना बहुत अस्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि कोयल रात्रि को नहीं बोलती है, अब वो अर्धरात्रि को बोल रही है तो अस्वाभाविक गतिविधि है, क्योंकि कोयल को तो बाग बगीचों या वनों में बोलना चाहिए। इसी कारण कवि ने उसे यहाँ पर क्या कहा है, बावली कहा है, और दावानल की ज्वालाएं का आशय यहाँ पर अत्याचार या बहुत कठिन दुख। उसके बाद देखिए कवि क्या कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूँ जीवन की तान, और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो कवि अब कोयल को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है, क्या देख न सकती, यहाँ पर पहले तो मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता दूँ, चरकचू यानी कोलू के चलने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो चरकचू की आवाज़ होती है, गिट्टी जो पत्थर को फोड़ करके बनाई जाती है रोड़ा जिसे कहा जाता है, मोठ यानी कोलू का चरसा जो होता है, और गजब ढाना यानी आतंक मचाना। तो कवि क्या कह रहा है, देखो, क्या देख न सकते जंजीरों का गहना, कि हे कोयल कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण हमें जो हथकड़ियाँ पहना दी है उन हथकड़ियों के गहने को तुम हमारे शरीर पर देख नहीं पा रही हो, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, अरे तुम इन्हें हथकड़ियाँ मत मानो, बल्कि ये तो क्या है, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा हमें पहनाया गया ऐसा गहना है जो हमारी कीर्ति को, हमारी प्रसिद्धि को, हमारी आज़ादी के आंदोलन की भावना को और ज़्यादा बढ़ाता है, प्रज्वलित करता है।
उसके बाद क्या कहता है देखो कि कोलू का चरक चूं जीवन की तान। अब यहाँ पर अत्याचारों का चित्रण है कि उनको कोलू चलवाया जाता है और कोलू चलाने के लिए वास्तव में बेल का प्रयोग होता है और बेलों की जगह उनको जोत दिया गया, उनसे पत्थर को फुड़वा कर गिट्टियाँ बनवाई गई। इस प्रकार से अमानवीय कष्ट हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किए गए। तो कवि क्या कहता है कि कोलू का चरक चूं जीवन की तान, कि वह अंग्रेज बेलों की जगह जो हमसे कोलू चलवाते हैं उस कोलू से चलने, उस कोलू के चलने से उसमें से निकलने वाली जो चरक चूं की आवाज़ है वो तो हमारे जीवन की तान बनी हुई है, अर्थात उस आवाज़ के सहारे हम और आगे बढ़ रहे हैं, वो आवाज़ हमें प्रेरित कर रही है, उन अत्याचारों से हम भयभीत नहीं हैं। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान और हमें परेशान करने के लिए, हमें पीड़ा प्रदान करने के लिए उन अंग्रेजों के द्वारा जो हमसे पत्थर फुड़वाए जाते हैं और गिट्टी बनवाई जाती है, उन गिट्टियों के ऊपर ऐसा लगता है कि हमने अपनी उंगलियों से क्या कर दिया है, स्वतंत्रता के गीत लिख दिए हैं, क्रांति के गीत लिख दिए हैं, बलिदान के गीत लिख दिए हैं। उसके बाद क्या कहा, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जीवा, कि कोलू के चरसे को मैं अपने पेट पर लगा कर खींचता रहता हूँ। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि मैं पेट पर जुआ बांध करके, जुआ एक रस्सी होती है, उससे क्या खींचता रहता हूँ, कोलू के चरसे को खींचता रहता हूँ, अर्थात कोलू को खींचता रहता हूँ। वो पीड़ा भी हमें दुखदाई नहीं होती, हम उसको भी आसानी से सहन कर जाते हैं, परंतु अंग्रेजों के सामने हम नहीं झुकते, क्योंकि अगर झुक जाते हैं तो हमारा स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करता है कवि, कहता है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उन अमानवीय अत्याचारों को सहन करते करते हम उन अंग्रेजों की अकड़ के कुएं को खाली कर देते हैं, हम उनके सामने नहीं झुकते। उसके बाद क्या कहा, देखो आप कि दिन में करुणा क्यों जगे, रुलाने वाली की है कोयल, तू बता कि हमारे दिन में करुणा का भाव क्यों जगे, क्योंकि करुणा अगर जागृत होती है तो करुणा रुला देती है, कमज़ोर कर देती है, हम उनके सामने कमज़ोर सिद्ध हो जाएं, इसलिए हम करुणा के भाव से ग्रसित होकर के रोना नहीं चाहते। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तू क्या करना चाहती है, रात में बोल करके उस करुणा के भाव को हमारे मन में जागृत करना चाहती है, हमें कमज़ोर करना चाहती है, हमें रुला देना चाहती है। आखिर इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ, कि आखिर ये अर्धरात्रि का जो शांत समय है, इस शांत समय में, इस घने अंधकार के समय में, तो अंधकार को भेदने वाली आवाज़ में रोते हुए क्यों दिखाई दे रही है, आखिर तेरे रोने का कारण क्या है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। और इस तरह से तू हमारे हृदय में अपनी आवाज़ के माध्यम से विद्रोह के बीज को चुप क्यों बो देना चाहती है, इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, आखिर तुम्हारे बोलने का कारण क्या है। देखिए अब इस पद्यांश के अंतर्गत जो कवि ने मुख्य बात कही है, कवि ने भारतीय कैदियों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा अमानवीय अत्याचार किए गए थे उनका चित्रण प्रस्तुत किया है, और वो कहना चाहता है उन पीड़ाओं का चित्रण करते हुए, कवि उन भयंकर यातनाओं का चित्रण करते हुए, उन कष्टों को सहन करते हुए कहना चाहता है उस कोयल को संबोधित करते हुए कि उसे हथकड़ियों में कैद करके रखा गया, कोलू चलाने के लिए बेल की जगह उसे जोत दिया गया तथा उससे पत्थर को फुड़वा कर गिट्टियाँ बनवाई गई, इस प्रकार से उसे अमानवीय कष्ट दिए गए। अंग्रेजों ने कवि के स्वाभिमान को झुकाने के लिए उसे अनेक पीड़ाएं प्रदान की, कोलू के बेल की जगह उसकी छाती पर जुआ बांध दिया और कोलू चलवाया गया। कवि ने इन यातनाओं को बड़े गर्व के साथ सह लिया, क्योंकि उसका मार्ग गलत नहीं था, जिसके कारण अंग्रेजों की अकड़ पूरी तरह से ढीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो भारतीय क्रांतिकारियों को और उनके विचारों को दबा नहीं सके, और कवि को इसी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण संघर्ष करते हुए जेल जाना पड़ा, उस स्थिति का चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। धन्यवाद।